सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं के निर्देशन में उत्तर प्रदेश को ऑपरेटिव बैंकों से उत्तम लाइसेंस मिला है, देश का पहला बैंक बन गया है। क्या कहना चाहेंगे सर, एक बड़ा निर्देशन रहा आपका? बड़ी उपलब्धि है और देश में किसी भी बैंक को मिलने वाला पहला ये प्रमाण पत्र सर्वोत्तम का। भारत मानक ब्यूरो द्वारा BIS द्वारा ये दिया गया हमको प्रमाण पत्र, और ये इसलिए दिया गया है कि हम बैंकिंग को गाँव में, सुदूरवर्ती गांव में जहां पर कोई बैंक पहुंच नहीं पा रहा है, वहां के लोगों को भी हम बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने सेवाएं देने के लिए, ये प्रोत्साहित करने के लिए एक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को ये प्रमाण पत्र देने का काम किया। हम उनके आभारी हैं और जो इस लायक समझा है कि हम, और निश्चित रूप से उन अधिकारियों कर्मचारियों को भी हम बधाई देना चाहते हैं जिनके कारण हमको ये सर्वोत्तम का प्रमाण पत्र मिला है। और साथ ही साथ दीपक कुमार जो IAS हैं, जिनको जो एम्बोड्समैन है इस बैंक के, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में। उनका भी सहयोग और मार्गदर्शन निरंतर बैंक को मिलता रहता है। पहले देखा जाता था 2017 के पहले की बात करी जाए, सहकारिता विभाग है या फिर बैंकें हैं, तमाम तरीके की भ्रष्टाचार की बातें सामने आती थी। आज सब कुछ जो है वो फायदे में चल रहा है, 16 में से 11 बैंकें फायदे में चल रही हैं, सहकारी विकास ग्रामीण बैंक भी जो है आपका अच्छा काम कर रहा है। ऐसा है कि जब नियत में खोट ना हो तो निश्चित रूप से अपने आप कुछ न कुछ अच्छा होने लगता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति बहुत कारगर है, और बैंकिंग के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार से जरा सा भी भ्रष्टाचार होगा तो बैंकिंग व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। तो बैंक में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का टॉलरेंस अगर टॉलरेट किया तो समझ लो कि आप बैंक नहीं चला पाए। अखिलेश यादव लगातार बैठके कर रहे हैं, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ना है सर? अब अखिलेश यादव की बैठक करने या ना करने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है, वो अपने एक कभी लेकर चल रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब PDA में वो एक MDA आ गया है और उसका PDA का तो फुल फॉर्म बता ही दिया कि माननीय केशव प्रसाद मौर्या जी ने, P का मतलब परिवारवाद, D का मतलब दंगा और A का मतलब अल्पसंख्यक। तो इस तरीके से उनका अपना A का मतलब जो है ये आतंकवाद जो भी है, तो इस तरीके से वो कि PDA का मतलब वो नहीं है। उनकी मन में राम, मुंह में राम बगल में छुरी, वो स्थिति है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है और ये इस तरीके से चल नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री JPS राठौर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।